everyone, good morning. This is NJ here. Welcome to English class. Today we are going to view question answers from a 9th standard book. Let's have a look and start. Here you see, guys, on this whiteboard, first question is, what kind of habit is early rising? What kind of habit is early rising? And in Urdu, subah jaldi uthna kaisi aadat hai? What kind of habit is early rising? Subho jaldi utna kaisi aadat hai? And here you see the answers, guys. Early rising is a good habit. Early rising is a good habit. Early rising is a good habit. Subho jaldi utna achhi aadat hai. Say once again, what kind of habit is early rising? Early rising is a good habit. सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. Here you see next question is, why can an early riser do more work than the late riser? Why can an early riser do more work than the late riser? सुबह जल्दी उठने वाला देर से उठने वाले से ज़्यादा काम कैसे करता है? सुबह जल्दी बेदार होने वाला देर से उठने वाले से ज़्यादा काम कैसे करता है? Here you see the possible answer. यहाँ पे आपको इसका जवाब है. ये देखिए, an early riser makes an early start of his day's work so he can do more work than the late riser. An early riser makes an early start of his day's work so he can do more work than late riser. सुबह जल्दी उठने वाला अपने काम का आगाज जल्दी करता है, इसलिए वो देर से बेदार होने वाले से ज़्यादा काम करता है. लेट्स हैव अ से अगेन. फर्स्ट क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर? एक सुबह बेदार होने वाला देर से बेदार होने वाले से ज़्यादा काम कैसे करता है? एंड आंसर इज, और इसका जवाब ये है, an early riser makes an early start of his day's work so he can do more work than the late riser. एक सुबह जल्दी उठने वाला अपने काम का आगाज जल्दी करता है, इसलिए वो देर से बेदार होने वाले से ज़्यादा काम करता है. Here guys, now we see the third question here. What's the key to success in life? 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 जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? And answer is here, early rising is the key to success in life. Early rising is the key to success in life. सुबह जल्दी उठना जिंदगी में कामयाबी की कुंजी है. Early rising is key to success in life. जल्दी उठना जिंदगी में कामयाबी की कुंजी है. And next you see there are two phrases and you have to make with them useful sentences. आगे आप देखिए, यहाँ पे दो phrases दिए गए हैं, इनसे जुमले दिए गए हैं, इनसे आपने अच्छे अल्फाज में जुमले बनाने हैं, मुफीद अल्फाज में जुमले बनाने हैं. पहला है फॉल अप्री, इसके मानी है शिकार हो जाना, किसी चीज़ में पड़ जाना, किसी ऐसे काम का शिकार हो जाना जिसका कोई फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसान हो. फॉल अप्री, किसी का शिकार हो जाना. फॉल अप्री, शिकार हो जाना. ही फेल अप्री टू स्मोकिंग. He fell a prey to smoking. और यहाँ पे ये जुमला हमने बनाया है, He fell a prey to smoking. वो सिगरेट नोशी का शिकार हो गया. तो जो आप जानते हैं कि सिगरेट नोशी एक बैड बुरी आदत है, इससे जो है लंग्स की फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं और कैंसर भी हो सकता है. सो fell a prey किसी चीज़ का शिकार होना और जिससे नुकसान हो. और यूजफुल जुमला हमने यहाँ पे बना दिया है गाइस, He fell a prey to smoking. वो सिगरेट नोशी का शिकार हो गया. And next word is nationalism. Nationalism, ये national से है, nationalism नाम है, हुब्बुल वतनी.
हुब्बल वतनी यानी अपने वतन से वफा करना, अपने वतन के लिए जान निसार करना, अपने वतन के लिए कुर्बानी देना, हुब्बल वतनी इसके मानी है। नेशनलिज्म नाउन है ये, और इससे हमने खूबसूरत जुमला बनाया है, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू। हियर सी द सेंटेंस विद नेशनलिज्म, इट इज, इट सेज नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू। हुब्बल वतनी एक अजीम सिफ्ट है, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट वर्चू। हुब्बल वतनी एक अजीम सिफ्ट है। ए यू गाइस एंड गर्ल्स एंड देयर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ से अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज अर्ली राइजिंग, What kind of habit is early rising? सुबह उठना कैसी आदत है? And question is, early rising is a good habit. Early rising is a good habit. सुबह उठना एक अच्छी आदत है. And next question is, why can an early riser do more work than the late riser? Why can an early riser do more work than the late riser? एक सुबह जल्दी उठने वाला देर से उठने वाले से ज़्यादा काम कैसे करता है? And possible answer is here, an early riser makes an early start of his day's work, so he can do more work than the late riser. I say again, an early riser makes an early start of his day's work, so he can do more work than the late riser. सुबह जल्दी उठने वाला अपने काम का आगाज जल्दी करता है, इसलिए वो देर से बेदार होने वाले से ज़्यादा काम करता है. And next question is, guys, what is the key to success in life? What is the key to success in life? What is the key to success in life? जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? इसका उर्दू में तर्जमा है, जिंदगी में कामयाबी की कुंजी क्या है? And possible answer is, और यहाँ पे इसका जवाब दिया हुआ है हमने, early rising is the key to success in life. Early rising is the key to success in life. Early rising is the key to success in life. जल्दी उठना जिंदगी में कामयाबी की कुंजी है. And next we see two phrases. First is fall a prey, शिकार होना. He fell a prey to smoking. He fell a prey to smoking. वो सिगरेट नोशी का शिकार हो गया. And next word is nationalism. Nationalism, हुब्बल वतनी, nationalism is a great virtue, nationalism is a great virtue, हुब्बल वतनी एक अजीम सिफ्त है. Hey you guys, I hope you would memorize these question answers, and by memorizing them, you would be able to rewrite them again when you are questioned about these, and you will make a practice with these sentences, useful sentences we have made here with these words. So I wish you good luck. See you next. Goodbye.